नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। राष्ट्र निर्माता, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। राकेश पटेल, विक्रम सिंह भाई का संगम। श्रेय श्री शिव कुमार मिश्रा जी SCN न्यूज़ के विशेष मुख्य संवाददाता। शुरू करते हैं आज का पूरा वीडियो, लेकिन छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर और कमेंट सावधानी पूर्वक संवैधानिक दायरे में कीजिए। शुरू करते हैं पूरा वीडियो क्या है। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल कहता हूँ क्योंकि जीवन का नाम संघर्ष होता है और संघर्ष में ये हार मानना, और बहुत से ऐसे अंधक साथी हैं और अंधक महिलाएं साथी हैं जो आज के दिन, मैं सर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज के दिन विद्यालय का कर्तव्य निर्वहन तो करते हैं, लेकिन विद्यालय के कर्तव्य निर्वहन करने के बाद लखीमपुर में हमारी साथी महिला है, वो जाने के बाद खड़ा लगा। बहुत सारे अंधक साथी हैं जो जाने के बाद कोई फेरा चुराता है, अनुदेशकों की महिला दिवस इस बार निकला भी था उनका। बहुत सारे अनुदेशक साथियों को जाके करना पड़ता है, क्योंकि 7,000 रुपए में दूधा वेतन नहीं चलता है। जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी 2013 में, सर छठा वेतन आयोग चला था, जिसका न्यूनतम वेतन मान जो 7,000 रुपए था, और सातवां वेतन मान का न्यूनतम जो राज्य सरकार ने 18,000 माना है और केंद्र सरकार ने उसको 21,000 रुपए माना है। और आज के दिन हम लोग 2013 से लेके और आज तक 7,000 रुपए पे हम लोग कार्यरत है। सर एक मिनट, मुझे मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे लोगों के पार्टियों के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि अंधेशकों की नियुक्ति फला सरकार ने की है तो हम क्यों करें, ये हमारे सरकार की नियुक्ति नहीं है, फला सरकार की नियुक्ति है। मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका कि हमारी जो नियुक्ति हुई है, हमारे देशों की जो नियुक्ति हुई है, शिक्षा के अधिकार नियम 2009 में, जब 2009 के तहत हुई है, जब भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार नियम 2009 बनाया और उसको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2011 में उसको अपनाया। ये भारत का ये राजपत्र है, जब गजट ऑफ इंडिया, जिसमें ये कालम जो हमारे शिक्षा के अधिकार नियम के तहत जो हमारे पद सृजित किए गए हैं, वो उसमें कक्षा 6-8 में वो ऑलरेडी ये पद सृजन किया हुआ है, और ये किसी भी सरकार का जेल नहीं है और किसी की अनुकंपा नहीं है, किसी भी सरकार की अनुकंपा नहीं है जो ये रखा है। शिक्षा का अधिकार नियम दिया, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसको अपनाया 2011 में, और उसके तहत 2012 की जनसंख्या के आधार पर, जब उसमें 30 मई 2012 की खास संख्या ली गई पूरे प्रदेश में जितने विद्यालय हैं, और उसमें 41,360 पद सृजित किए गए उन विद्यालयों में। तो मैं सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा सर कि ये जो नियुक्ति है, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी सरकार ये न समझे कि हम किसी की अनुकंपा है, ये हमारी नियुक्ति का प्रावधान किया था केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने इसको अडॉप्ट किया, तो उसके तहत हमारी नियुक्ति हुई है। और हमारी जो नियुक्ति हुई है बाकायदा वो आदेश और उसके जो नीति अधिकारी सर, मैं एक बार थोड़ा सा करना चाहूंगा आपका ध्यान कि हमारी जब नियुक्ति का जो प्रावधान हुआ था तो सबसे पहले जो कमेटी गठित हुई थी वो ग्राम शिक्षा समिति के तहत हुई थी, कि जैसे पूर्व में जो नियुक्तियां होती रही है, कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वहां पे जो नियुक्तियां हुई थी जो ग्राम स्तर पे, उसके तहत ये नियुक्ति होती थी ग्राम प्रधान रहेंगे और बाकी सदस्य रहेंगे, उस तरह के नियुक्तियों का प्रधान अध्यक्षों का भी था। लेकिन उस नियुक्ति को जाके चैलेंज करके उसको न्यायालय से उसको हटवाया गया, और उसके बाद से हमारा बकायदा फैसला देश जारी हुआ 21 जनवरी 2013 का, जिसमें हमारे पद सृजन किए गए, सुनील कुमार जी प्रमुख सचिव थे उत्तर प्रदेश शासन के उस समय, और उसमें सर हमारा जो चयन समिति बना, उस चयन समिति में बकायदा जैसे नियमित शिक्षकों का चयन समिति होता है, जिसमें प्रचार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद अध्यक्ष होते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद वो सदस्य सचिव होते हैं, संबंधित जनपद के मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के वरिष्ठ पदाचार्य प्रधानाचार्य जो DIC के प्रिंसिपल होते हैं सर, वो सदस्य होते हैं, और जिलाधिकारी संबंधित जनपद द्वारा नामित निर्दिष्ट एक अधिकारी वो एक सदस्य होते हैं। जो बकायदा ये जो हमारी जो नियुक्ति हुआ, जो हमारा आवेदन मांगा गया था सर, वो LIC के थ्रू मांगा गया था, जैसे कि अध्यापकों के सहायक अध्यापकों की जो भर्ती होती है, जो आवेदन मांगा जाता है बकायदा उस आधार पर हम लोग का आवेदन मांगा गया था, उसमें आरक्षण का भी पालन हुआ था, यानी ये नहीं था कि जो जैसे चाहे वो मुताबिक कर सकता है, उसमें आरक्षण का भी था। ये जो हमारी मेरिट लिस्ट जो बनी थी सर, वो लखनऊ LIC के द्वारा बनी थी, और वहां से मेरिट लिस्ट बनकर हमारे जनपदों पर आई थी, उसके
बाद हमारी नियुक्ति प्रक्रिया सर यहाँ पे शुरू हुई थी और जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनको वहाँ पे नियुक्ति दी गई थी। उसके बाद सर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि ये होता है कि फला सरकारों में भर्ती हुई थी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ सर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जेल है, किसी सरकार की जेल नहीं है और ये नियुक्ति दिया है या उस सरकार की नियुक्ति या इस सरकार की नियुक्ति बकायदा हमारे प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ। उस सत्यापन के बाद जितने लोग एलिजिबल है वो लोग कार्यरत है और उस सत्यापन के बाद कोई भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों में जो गलत पाया गया खुद पारदर्शी तरीके से हुई थी इसलिए कहीं कोई गलत नहीं हुआ था। दूसरा है कि मैं कहना चाहूंगा सर जो मानदेय की स्थिति थी, मैं सर आपको अगर मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि सदन में संसद सदन में एक सांसद महोदय द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री से ये जवाब पूछा किया गया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं कि इनको ये वो 8 से 9 वर्ष तो अपना सेवा दिया है, 7 से 8 वर्ष अपना सेवा दिया है, इनको नियुक्त कैसे करेंगे, तो उनका मैं स्टेटमेंट सर आपको सुनाना चाहूंगा। नियम जब इस अधिनियम को लागू किया था राज्यों ने इसको अपनाया था उसमें केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं कहा था कि इनको आप संविदा पे रखिए। उन्होंने एक मानक तय किया था कि वो 100 चिल्ड्रेन की वर्ग वो है टीचर और उसके बाद 3 तरह का वो अंदेशक रखने प्रदान किया था जिसमें फिजिकल एजुकेशन का और आगे एजुकेशन वर्क एजुकेशन का उन्होंने अंदेशकों रखने का प्रावधान किया था। और इसमें उन्होंने जवाब देते हुए स्पष्ट तौर से कहा है जब इन्होंने पूछा हुआ है तो उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया है कि अगर राज्य सरकारें उनको चाहें तो उनको नियमित कर सकती है। वो उनके विषय का मामला है 60-40-40 होता है जिसमें केंद्र सरकार 60% देता है और राज्य सरकार 40% वर्तमान समय में ये दे रही है, उसमें वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो देने के लिए तैयार है। और एक चीज सर मैं तो इसके लिए बकायदा अभी मैं पेपर लेके बैठा था कि अभी ये सारी चीजें थी कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में जो ये कहा गया था कि संविदा कर्मियों को नहीं रखना है तो संविदा कर्मियों का कहना है जो भी रहेंगे वो नियमित रहेंगे। इसी नई शिक्षा नीति में सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसमें ही ये प्रावधान है और स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से इस तरह के विषयों में कला शारीरिक शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा भाषाओं के रूप में शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। एक स्कूल या स्कूल परिसर स्कूल में शिक्षकों के बंटवारे पर विचार किया जा सकता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग आप स्कूल के प्रारूप के अनुसार। तो मैं ये सब पूछना चाह रहा हूँ कि सर इससे समस्या कहाँ आ रही है, ये कोई योजना नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, किसी राज्य द्वारा लाई नहीं गया है, किसी सरकार द्वारा ये लाई नहीं गया है कि अनुकंपा के तौर पर कि चलो उनको किसी तरह रोजगार दो। ये तो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार से हमारी भर्ती की गई है और उस अनुरूप के तहत नई शिक्षा नीति में भी इसको वर्णित किया गया है। और आपको जहां भी एनसीटी का सर मैं ये रखा हुआ हूँ एनसीटी का इन्होंने जो एनसीटी ने लिख दिया है जो रखा जा सकता है, तो फिर इसमें सब समस्या कहाँ आ रही है कि हमको नियमित करने के लिए हम पूरे सेवा भाव से 2013 में हम लोग की नियुक्ति हुई थी 7 वर्ष से मानदेय पर हुई थी, हम लोग का दुर्भाग्य था मैं कहना चाहूंगा क्योंकि उस समय भी केंद्र सरकार ने बाध्य नहीं किया था किसी राज्य सरकार को कि आप उनको संविदा पे ही रखिए क्योंकि सर संविदा एक अभिशाप है, ये हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। सर ये कहावत है कि जब मेरा बेस्ट यूज मेयर दूसरी के जिसे तकलीफ होता है वो बेहतर तरीके से जानता है और पिछले 8-9 सालों में हम लोगों से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता। सर आपने जो बताया कि अभी जो दुर्घटना घटी है आज अमृतसर के साथी के साथ सर हम लोग पिछले 8-8.5 साल से लगातार इसकी सर रोना रो रहे हैं। अभी तो ये उनकी बीमारी के नाते हुआ है, विद्यालय जाते समय हरदोई की एक अंबेशका बहन है बहन थी स्वर्गीय अभिभा थी महिला अंबेशका उनका विद्यालय जाते समय गृह विज्ञान से अंबेशका थी ये गोधनपुर ब्लॉक अहिरौली जनपद हरदोई थी वो विद्यालय जाते समय विद्यालय से 1 किलोमीटर पहले टैंकर के चपेट में आके उनका देहांत हो गया।
उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, 3 साल और 4 साल के, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके उनके उन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? हम तो मेरे ऊपर हमारे ऊपर ये सरकार ने ये डाल रखा है और हमारी जिम्मेदारी है, सरकार ने डाल क्या रखा है, सरकार ने हमको रखा है और अपने कर्तव्यों को हम भाग नहीं रहे, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के कभी को जिम्मेदारी हम विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, उनका भविष्य कमाने का काम कर रहे हैं, हमारे रहने न रहने के हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा सर, इसके लिए कोई दायित्व होगा सर? 450 लगभग 450 निर्देशक कुछ लोग मानसिक अवसर भी आते हैं, कुछ लोग आर्थिक व्यवस्था के नाते जाके मतलब मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, फांसी वगैरह का जो मेरा चीज है, मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि जीवन से हारना ये गलत विकल्प है, क्योंकि उसका भी मैं उदाहरण देता हूँ, लखीमपुर में हमारे एक बहन है अंजलि गुप्ता जो कला अंदेशता है और आज के दिन वो विद्यालय जब तक रहता है विद्यालय में जाकर अध्यापन कार्य करती है और विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का उनका भविष्य बनाने का काम करती है और उसके बाद आके अपना एक सेवा लगाती है जो उसके बाके बिहारी जेट पार्लर के नाम से और बकायदा लखीमपुर की ही और वहाँ पे अपने बच्चे का भविष्य बनाने की आज आया है मुझे वीडियो, मुझे बड़ा दृढ़ हो जाता है कि शिक्षा का ये काम करेगा, बाकी बिहारी के नाम से उनका वो चल रहा है बिचारी, कहीं कहीं बच्चे तो पालेगा हर आदमी के सामने जिम्मेदारी। जी राकेश जी, सर मैं इसी चीज का ये कहना चाह रहा हूँ की जब सारा सब कुछ किया है जो आपका कामना देश है, आपके सरकार के अनुसार हम लोग ऐसा भी नहीं है कि जो आपने का जो डीलर रजिस्ट्रेशन है जो उनका मानक उनके तहत हमारी भर्ती हुई, आपने सातना देश जारी ऑनलाइन आपने आवेदन मांगे, सारे चीजों को पूरा कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ सर, मैं तो मेरे शासन में कई बार ऐसी बात हुई, एक बार ऐसे आया कि सर छात्र के लिए छात्र के लिए सर आपको बता दूँ ऐसी महिलाएं सब 2013 में बहुत तरह से महिलाएं उनकी मृत्यु हो गई, उसी के बाद से फिर उनकी शादी हुई, अब उनका ससुराल अन्य जनपद हो गया, अंतर जनपद का जब मामला आया और जब इस बात को शासन में रखा गया तो शासन में बैठे लोगों ने ये चीज कहा जी कैसे हो सकता है आपका शासन, कैसे हो सकता है आपका शासन का क्यों नहीं है, महिला कर्मियों कैसे शासन मिल सकता है, लेकिन उसमें समस्या कहाँ रही है? आपने 340 हम इस समय कर रहे थे 41,307 जो पद है वो अन्य जनपदों में भी तो है, सारे जनपदों को मिला के ही तो है, ये मैं अधिकारियों का इसलिए बार बार मैं इसी कहता हूँ अफसरताहों की वजह से गड़बड़ हुआ है, बार बार मैं कहूंगा की अफसरताही की वजह से, क्योंकि अफसरताही की वजह से हम लोग घूमते हैं इस चीज को।